सैकड़ों संतों की आहारचर्या के साक्षात दर्शन इस समय कुंडलपुर की धरा पर संभव हो पा रहे हैं। बड़े बाबा की नगरी में लगभग 450 चौके लग रहे हैं और चतुर्थकालीन के तीर्थंकरों की आहारचर्या का दृश्य वर्तमान सादृश्य हो जाता है। वर्तमान में कुंडलपुर आधुनिकता से परे चतुर्थ काल के समय में गोते लगा रही है। सैकड़ों संतों के सानिध्य में हजारों भक्त विभिन्न धार्मिक गतिविधियों में ऐसे लिप्त हैं जैसे वो इस युग के हो ही ना। यही वातावरण इन दिनों कुंडलपुर में देखने को मिल रहा है। आहारचर्या के लिए जब एक साथ विधि लेकर निकलते हैं तो सभी संतों में साक्षात तीर्थंकरों की छवि दिखती है। इन घोर तपस्वी मुनि संघ की चर्या को नमन करने और उनसे पुण्यार्जन करने के लिए हजारों भक्त पड़गाहन करते हैं और श्रद्धा पूर्वक संतों को आमंत्रित करते हैं कि ये संत आएं और उनके चौके में बने आहार को ग्रहण कर सबको धन्य कर दें। विधि मिलने के बाद सौभाग्यशाली परिवारों को ये पुण्य प्राप्त भी होता है जिनके चौके में मुनि संघ का आहार होता है। वे नब्दा भक्ति पूर्वक मुनिवर को आहार दान कर पुण्य के भागी बनते हैं। कुछ ऐसा ही पुण्योदय श्राविका श्रेष्ठी श्रीमती सुशीला पाटनी को लगभग प्रतिदिन प्राप्त हो रहा है। 12 अप्रैल को भी मुनि श्री अचल सागर जी महाराज को आहार दान करने का अवसर प्राप्त हुआ। आहार देने में अभी 1-1.5 महीने पहले हमने बॉम्बे में महाराज जी का प्रगान किया था। बहुत आनंद के साथ समुद्र में 32 तल्ला उसमें महाराज जी आए थे, 2 किलोमीटर चल के। और आज तो कुंडलपुर में और भी आनंद आया क्योंकि बड़े वात्सल्य महाराज है, बहुत शांत मूर्ति महाराज है और बहुत आनंद के सारे आज कितने कम से 200-300 लोगों ने आर दिया और सब ने भक्ति भाव से महाराज को आर दिया। जय जिनेंद्र। निर्यापक मुनि पुंगा श्री सुधा सागर जी महाराज को आहार दान करने का सौभाग्य कुंडलपुर कमेटी के पूर्व अध्यक्ष श्री सेठ संतोष जी के परिवार को प्राप्त हुआ। आज 2 साल के अंतराल के बाद आज पुनः हमें वह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मुनि पुंगा सुधा सागर महाराज जी के आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज बहुत ही मन हर्षित है कि जिनको हम कहते हैं जिन शासन का शेर है उनके घर पे हमारे आहार हुए, तो बहुत ही हमें प्रसन्नता है। और जितना उसकी सीमा नहीं है, जितना हम खुशी का महसूस कर रहे हैं उसकी सीमा नहीं है, अपार खुशी है। जितने दिन साधु यहाँ रहेंगे उतने दिन तक हमारा चौका लगता रहेगा और शुरू से लगा है अभी तक। बहुत खुशी, हम लोग को तो बहुत खुशी हुई। हम लोग तो सोच ही रहे थे कि कल समय सागर जी की है, आज सुधा सागर जी की हुए, बहुत अच्छा लगा हम लोग को। और क्या बोलते, इतनी खुशी हो रही थी कुछ बोलने का मन ही नहीं कर, क्या बोले, शब्द ही नहीं हमारे लिए बोलने के लिए। और हम लोग के यहाँ तो बहुत समय से चौका लग रहा, दमों में भी 50-55 माता जी थी, उन लोग कभी 4 माता जी की हुए, कभी 3 की हुए, ऐसे चलता रहा। और जब भी यहाँ पे साधु जी आते हैं तब से लगता है और जब तक यहाँ पर रहते हैं तब तक लगता है। और फिर बाद में निरंतर हम लोग का तो चौका लगता ही रहता है, चाहे दमों में हो चाहे यहाँ पे हो, चौका बहुत है। इस तरह से 12 अप्रैल को कुंडलपुर की धरा पर लगभग 350 संतों ने आहार ग्रहण किया। जिनको आहार करने का सौभाग्य मिला वे सभी इन संतों के आशीष से अभिभूत हुए। जैन फोकस के लिए कुंडलपुर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।